अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएं, आमीन। तो जी आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत डिफरेंट सा नाश्ता। तो आइए शुरू करते हैं नाश्ता बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने दो अंडे ले लेने हैं बाउल में। साथ ही एक मैंने छोटा सा प्याज भी ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको देखिए बहुत बारीक सी कटिंग करनी है आपने इसकी, इस तरीके से। चाहे तो आप बोर्ड पर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, चाहे तो हाथों से कटिंग कर लें, लेकिन बहुत नीट क्लीन और बहुत छोटी छोटी आपने कटिंग करनी है। इस तरीके से एनफ हो गया है ये प्याज। तो अब डालना है जी अंडे में हमने मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करते हैं आप थोड़ी सी। थोड़ा सा नमक और अच्छा सा इनको बीट कर लेना है। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। पैन या तवा आपने ले लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऑयल डाल लें। अब सारा अंडा का जो है मैं डाल रही हूँ। सारा अंडा आपने डाल देना है। और अंडे को अच्छा सा आपने फैला देना है। और जनाब आपने ब्रेड के दो स्लाइस ले लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक यहाँ और एक यहाँ आपने दबा के रख देना है अंडे के ऊपर। मीडियम से अंडे की कटिंग कर देंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से अलग कर देना आपने ये साइड वाला अंडा, ऐसे ऊपर चढ़ा देना है ब्रेड के। इस तरीके से और इसको भी ऐसे ही करना है। ये साइड से अंडा ऊपर कर देना है ताकि अच्छी तरह ब्रेड पे अंडा चिपक जाए। अब मैं ये पलट लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से आप इसको, माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है।
बच्चों को ये सैंडविच बहुत पसंद आते हैं। ज़रूर उन्हें बना कर खिलाइए। माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, दोबारा से मैं इसको पलट रही हूँ। माशाल्लाह से इस साइड से भी पक रहा है, देखिए जी बहुत अच्छे से कलर ब्रेड पे आ गया है। हल्की आंच पे पकाना है आपने बिल्कुल, ताकि ब्रेड भी पक जाए और अंडा भी कच्चा ना रहे। माशाल्लाह से अभी ये हो चुके हैं, अभी इनको निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितने खूबसूरत हमारे ये सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं। यकीनन आपको पसंद आए होंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।